हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एक खास जगह के बारे में जो पूरे भारत में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। महेश्वर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में स्थित एक नगर है। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने बहुत ही सुंदर व भव्य घाट तथा महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। घाट पर अत्यंत कलात्मक मंदिर है, जिनमें से राजराजेश्वरी मंदिर प्रमुख है। आदि गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यही हुआ था। इस शहर को माहिष्मती नाम से भी जाना जाता था। कालांतर में यह महान देवी अहिल्याबाई होलकर की भी एक राजधानी रहा है। देवी अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में बनाए गए यहाँ के घाट सुंदर है और इनका प्रतिबिंब नदी में और भी खूबसूरत दिखाई देता है। महेश्वर इंदौर से सबसे नजदीक है। इंदौर विमानतल महेश्वर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर से 90 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे बसे इस खूबसूरत पर्यटन स्थल को पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त है। अपने आप में कला, धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व को समेटे यह शहर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। मूलतः यह देवी अहिल्या के कुशल शासनकाल और उन्हीं के कार्यकाल में हैदराबादी बुनकरों द्वारा बनाना शुरू की गई माहेश्वरी साड़ी के लिए आज देश विदेश में जाना जा रहा है। यहाँ खत्री, मोमिन व बलाई बुनकरों द्वारा सुंदर बुनाई कार्य पारंपरिक करघे पर किया जाता है। अपने धार्मिक महत्व में यह शहर काशी के समान भगवान शिव की नगरी है। मंदिरों और शिवालयों की निर्माण श्रृंखला के लिए इसे गुप्त काशी कहा गया है। अपने पौराणिक महत्व में स्कंद पुराण, रेवाखंड तथा वायु पुराण आदि के नर्मदा रहस्य में इसका महिष्मती नाम से विशेष उल्लेख है। ऐतिहासिक महत्व में यह शहर भारतीय संस्कृति में स्थान रखने वाले राजा महिष्मान, राजा सहस्त्रबाहु जिन्होंने रावण को बंदी बनाया था, इन जैसे राजाओं और वीर पुरुषों की राजधानी रहा है। बाद में होलकर वंश के कार्यकाल में इसे प्रमुखता प्राप्त हुई। लंबा चौड़ा नर्मदा तट एवं उस पर बने अनेकों सुंदर घाट एवं पाषाण कला का सुंदर चित्र दिखने वाला किला इस शहर का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। समय समय पर इस शहर में मनाए जाने वाले तीज त्योहार, उत्सव पर्व इस शहर की रंगत में चार चांद लगाते हैं, जिनमें शिवरात्रि स्नान, निमाड़ उत्सव, लोक पर्व गणगौर, नवरात्रि, गंगा दशमी, नर्मदा जयंती, अहिल्या जयंती एवं श्रावण माह के अंतिम सोमवार को भगवान काशी विश्वनाथ के नगर भ्रमण की शाही सवारी प्रमुख है। महेश्वर शहर की स्थापना हैयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन ने की थी। मान्यता है कि इन्होंने रावण को पराजित किया था। राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने अपने 500 रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करते हुए नदी के बहाव को अपनी 1000 भुजाओं से रोक लिया था। उसी समय रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। वह सूखी नदी के स्थान को देखकर रावण की शिव पूजा करने की इच्छा मन में हुई। जब रावण ने बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की तो राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने जल क्रीड़ा समाप्त होने के उपरांत जल छोड़ दिया। इस कारण से रावण की पूजा पूरी नहीं हो सकी, वह पानी में बहने लगा। इस पर क्रोधित हो जब राजराजेश्वर से रावण ने युद्ध करना चाहा तो रावण को हार स्वीकार करनी पड़ी। वह राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने उसे बंदी बना लिया। पुराणों में वर्णन है कि राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन की रानियां रावण के 10 शीशों पर दीपक जलाती थी, क्योंकि दीपक राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन को अति प्रिय थे। आज भी महेश्वर में स्थित श्री राजराजेश्वर मंदिर में अखंड 11 दीपक ज्योति पुरातन काल से प्रज्वलित है। वह मंदिर में श्रद्धालु देसी घी प्रसाद के साथ अवश्य चढ़ाते हैं। श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन के वंशज हैयवंश क्षत्रिय समुदाय के लोग महेश्वर को तीर्थ स्थल मानते हैं। कहा जाता है राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उसके पुत्र परशुराम से युद्ध करना पड़ा था। राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। दोनों का युद्ध खत्म होने को नहीं आ रहा था, तब भगवान दत्तात्रेय के सम्मुख सहस्त्रार्जुन ने पश्चाताप करने का प्रस्ताव रखा। भगवान दत्तात्रेय के कहने पर राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन महेश्वर में स्थित भगवान शंकर के मंदिर में स्थापित शिवलिंग में समा गए। महेश्वर का रामायण और महाभारत में भी उल्लेख है। यह बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ जाने से मन व चित्त को शांति मिलती है। कहा जाता है सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को कैद कर लिया था।
जब यह बात रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि को पता चली तो वे सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास आए और अपने पोते को वापस मांगा। महाराज सहस्त्रबाहु ने ऋषि के सम्मान में उनकी बात मानते हुए रावण पर विजय पाने के बाद भी उसे मुक्त कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। क्या आप जानते हैं इस जगह काफी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे दबंग 3, पैडमैन, बाजीराव मस्तानी, सुटेबल बाय, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना 2, तेवर, निर्जा भनोट, जीनियस, गौतमी पुत्र शतकर्णी और कलंक। इन मूवी की शूटिंग यहाँ हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको भी महेश्वर में जाकर एक बार दर्शन जरूर करने चाहिए। यहाँ पर आप काफी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप महेश्वर जाएं तो महेश्वर किले पर जाना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाला एक पुरातात्विक संग्रहालय है और होलकर राजवंश की संपत्ति के विपरीत है। किले का प्रमुख आकर्षण रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा है। यहाँ बजट से लेकर मीडियम रेंज होटल तक ठहरने के लिए बहुत सारे विकल्प है। यहाँ पर ठहरने के लिए भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सभी होटल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यह शहर नाजुक सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे हथकरघा दुकानें हैं जो बुनी हुई और डिजाइन की हुई रेशम की साड़ियां पेश करती हैं, जिन्हें महेश्वरी साड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ आप शॉपिंग के लिए जाएं तो टेक्सटाइल आर्ट के शानदार पीस खरीदना ना भूलें। अगर बात करें यहाँ पहुँचने के लिए साधन कौन कौन से उपलब्ध है, तो महेश्वर पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है, जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर गंतव्य तक पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे जंक्शन है। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा आए तो महेश्वर मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कई निजी और सरकारी बसें हैं जो राज्य के प्रमुख शहरों जैसे नासिक, मुंबई, पुणे और कोल्हापुर से जुड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अच्छे से एंजॉय कीजिए महेश्वर की यात्रा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।